नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। मोहनगढ़ भाजपा द्वारा मोहनगढ़ में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव करने और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमले का विरोध जताया। पुतला दहन के दौरान सांसद वीरेंद्र खटेक ने बताया कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लोकतंत्र की हत्या करते हुए हिटलर शाही और गुंडाराज चला रही है, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व जन समर्थन से काम में जुटा हुआ है, लेकिन टीएमसी के गुंडे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की मारपीट और हत्या कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले की गाड़ियों में हमला इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद की विजय होगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए बंगाल की जनता को न्याय दिलाने के साथ विकास की अवधारणा को फलीभूत करेगी। भारत विरोधी गतिविधियों और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुकी बंगाल की टीएमसी और ममता बनर्जी को जनता इस बार सबक सिखाने के पूरे मूड में है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर सांसद वीरेंद्र खटेक, निवाड़ी जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची जी, रोशनी यादव जी, डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, गणेशी लाल नायक जी, अनिल पांडे, मानसिंह दांगी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे बीच में उपस्थित निवाड़ी जिले के हमारे युवा मोर्चा का अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मान्य जेपी नड्डा साहब पश्चिम बंगाल में आम सभा करने पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी पहुंचे। अनेक कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी के गुंडों ने उनके ऊपर सामूहिक हमला किया, पथराव किया, जिसके कारण गाड़ी टूटी, बाल बाल बचे। हमारे विजय बहनी जी को हाथ में चोट आई, जिसके विरोध में